असदुद्दीन ओवैसी ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के लगातार हमलावर हैं और एक बड़ा बयान उन्होंने इस वक्त फिर से दे डाला है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप हमारे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। ज्ञान व्यापी मस्जिद का मुद्दा लगातार उठ रहा है, लोगों के बीच में मुद्दे को भुनाने की कोशिश हर तरफ से की जा रही है, लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे में राजनेताओं की एंट्री होने लगी है, राजनेता कूदने लगे हैं, इसकी वजह से इस पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी जो पहले ही सरकार पर और कोर्ट पर, बल्कि खासतौर पर कोर्ट पर सवाल खड़े कर चुके हैं कि कोर्ट ने इस मुद्दे को इस तरह से इसमें फैसला सुनाकर कहीं ना कहीं हिंसा का रास्ता खोल दिया है और एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, ये कहना था असदुद्दीन ओवैसी का। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी ने एक और नया बयान दे दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे को बनाकर 1990 के दशक वाली स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है जो राम मंदिर और अयोध्या के नाम पर की गई थी। तो क्या वाकई में बीजेपी ऐसा कर रही है? क्योंकि अब तो देखिए राम मंदिर का मुद्दा भी सुलझ चुका है, राम मंदिर पर, वहां पर राम मंदिर निर्माण हो रहा है विवादित जन्म स्थल पर, और अब देखा जा रहा है कि राजनीति करने के लिए क्या बचा है। तो क्या अब इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है? ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और असदुद्दीन ओवैसी इसी बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी भी मुसलमानों को भड़का रहे हैं, जिस तरह से ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है? सीधे तौर पर ऐसा देखा जा रहा है कि इस मुद्दे पर हिंदू पक्ष का अलग कहना है, मुस्लिम पक्ष का अलग कहना है, और जिस तरह से दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे को लेकर आरोप लगा रहे हैं, मुसलमान पक्ष लगातार कह रहा है कि वो वीडियोग्राफी के बिल्कुल खिलाफ है, मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी नहीं की जानी चाहिए, सर्वे नहीं कराया जाना चाहिए, तो वही हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर कोई परेशानी ही नहीं है तो सर्वे कराने में दिक्कत क्या है, सर्वे करा ले, सच्चाई सबके सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सच्चाई सबके सामने खुलकर आ जाएगी और आखिरकार मुद्दा सुलझ जाएगा। लेकिन जिस तरह से हालात वहां पर अच्छे नहीं है, हालातों को देखकर यह लग रहा है कि मुस्लिम समाज के लोगों में काफी नाराजगी है इसको लेकर, और जिस तरह से नाराजगी है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे एसपीएन 9 न्यूज। नमस्कार।